छोटे से गांव में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। नीलम का गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था और वहां की हवा में ताजगी थी। नीलम को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गांव में स्कूल दूर था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे गांव में सबका प्रिय बना दिया। एक दिन उसने गांव के बच्चों के लिए खुद एक छोटी सी पाठशाला खोली, जहां वह उन्हें पढ़ाती थी। नीलम दोस्तों, जो आपने स्टार्टिंग में कार्टून एनिमेशन वीडियो देखा हो दोस्तों, मैंने अपने मोबाइल फोन से बनाया हुआ है, जो कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा ही कार्टून एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जोर देखिएगा, बिकॉज भाई आज किस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से ऐसा ही सेम टू सेम कार्टून एनिमेशन वीडियोज को बना सकते हो। आपके सामने लाइव प्रूफ बना करके दिखाऊंगा। देखो, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है ना भाई, सब कुछ आज किस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा। स्टोरी कहाँ से लेनी है, स्टोरी को भाई जो स्टोरी आपको मिल जाएगी उसको टेक्स्ट टू स्पीच किस प्रकार से करना है, इसके बाद भाई इमेज कहां से लेनी है, इमेज को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके बाद इन सभी चीजों को मर्ज करके एडिट किस प्रकार से करना है, सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। भाई ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन बैठ जाओ एक कोने में जाकर के और भाई बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखो, किसी भी पार्ट को मिस मत करना। भाई प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा, किसी के वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डीपली सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजपूत, बहुत बहुत स्वागत करता हूं विकेटेक चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार आपको स्टोरी कहां से लेनी है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा अपना मोबाइल फोन ओपन कर लेना है। देन इसके बाद यहां पर आपको जो है क्रोम ब्राउजर ओपन करके यहां पर आपको टाइप करना है ChatGPT, क्योंकि भाई यही हमारी जो है हेल्प कर सकता है। ठीक है, देन इसके बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट में चले जाना है और यहां पर आपको जो है ट्राई ChatGPT पर क्लिक करना है। इसके बाद यहां से हमको अपनी स्टोरी को लिखवाना है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको टाइप करना है, देखो आप लोग हिंदी में भी टाइप कर सकते हो या फिर ऐसे मतलब मुझे एक स्टोरी चाहिए, या फिर आप लोग इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो। तो यहां पर मैं आपके सामने टाइप कर देता हूं, जैसे मुझे यहां पर चाहिए एक स्टोरी, तो यहां पर लिखूंगा मैं गिव मी अ लिटिल गर्ल स्टोरी इन 200 words। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको हिंदी में भी बोल दूंगा, इन हिंदी। अब जिसमें भी आपको चाहिए आप लोग लिख दीजिएगा, और जैसे आप लोग जो है लिख करके भेजेंगे तो भाई आपके सामने जो है एक स्टोरी लिखना है स्टार्ट कर देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, मैंने यहाँ पर जो है 200 वर्ड की इनसे स्टोरी मांगी हुई है, तो यहाँ पर मुझे स्टोरी ये लिख करके दे रहा है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो है आपको एक मैसेज और टाइप करना है, जैसे आपके स्टोरी लिख जाए तो इसको कॉपी करना चाहें तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बाद में भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इसको कॉपी करके आप लोग जो है नोटबुक में आप लोग जो है कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो यहाँ पर जो है ये अपना नोटबुक है मोबाइल का, तो यहाँ पर जो इसको नोट कर लीजिएगा अपना। ठीक है, इसके बाद सेव कर दीजिएगा, जिससे भाई आपको जो बार बार ChatGPT में नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और मैसेज टाइप करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है ये देखो, Also give me prompts for that story of every scene to create image points wise। ठीक है, आपको सिंपल सा इस प्रकार टाइप कर देना है। अब भाई इससे हम लोग इमेज को जनरेट करवाएंगे। ये अगर आप लोग मैसेज टाइप करोगे, जैसे आप लोग सेंड करोगे तो भाई आपके सामने ये प्रॉम्प्ट लिख करके दे देगा, और ये प्रॉम्प्ट जो अलग अलग चीज़ें बहुत सारे प्रॉम्प्ट दिए हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं 6-7 और यहाँ पर देखो 7 प्रॉम्प्ट दिए हैं। ठीक है, अब भाई इन प्रॉम्प्ट से हम लोग इमेज को जनरेट करवाएंगे। अब यहाँ पर सारे के सारे प्रॉम्प्ट को इसको जो है कॉपी कर लेना है। जैसे यहाँ पर मुझे पहले प्रॉम्प्ट के मुझे इमेज चाहिए, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर मुझे टाइप करके दे दिया, तो यहाँ पर मैं पहला प्रॉम्प्ट यहाँ पर इसको कॉपी कर लूँगा। इसके बाद मैं चला जाऊँगा एक वेबसाइट के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको टाइप करना है फायर फ्लाई। ठीक है, यहाँ पर जो आपको फायर फ्लाई टाइप कर देना है। जैसे आप लोग क्रोम पर फायरफ्लाई टाइप करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है पहली वेबसाइट में चले जाना है सिंपल सा। इसके बाद इस वेबसाइट के अंदर आप लोगों को जो है साइनअप वगैरह कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल साइनअप करके, और यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मैं दिखाता हूँ। जस्ट वेट गाइस, ये देखो कहाँ गया, टेक्स्ट टू इमेज। ठीक है, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर जो मैं इसको इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है कुछ इस प्रकार का एक न्यू इंटरफेस खुल जाएगा। जस्ट वेट, तो देखो कुछ इस प्रकार से आपको जो इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप लोग जो है इससे करवाना चाहें तो आप लोग इससे भी करवा सकते हो, नहीं तो भाई और भी वेबसाइट हैं, जैसे आइडियोग्राम हो गया, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप लोग करवा सकते हैं। जैसे आप लोग जो आइडियोग्राम लिखोगे ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आइडियोग्राम AI करोगे तो भाई ये भी आपको जो है फ्री में ही देगा। ठीक है, आपको जो साइनअप कर लेना है इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर जो आइडियोग्राम सर्च करोगे पहली वेबसाइट आ जाएगी, और यहाँ पर सिंपल सा जो इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिससे भी आप लोगों को करना है देख सकते हैं, आप जो साइनअप करके और यहाँ पर जो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी प्रॉम्प्ट, ठीक है, हर प्रॉम्प्ट की अलग अलग फोटो आपको जनरेट कर लेनी है। तो यहाँ पर जो मेरा पहला प्रॉम्प्ट है इसको मैं यहाँ पर जो है डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे इसमें लिख दूंगा, जैसे मुझे चाहिए क्या 3D
कार्टून एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन इमेज, ठीक है, यहाँ पर जो मैं टाइप कर दूँगा इस प्रकार से, और यहाँ पर जो इनमें एक इस प्रकार का वो लगा दूँगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो मैं जैसे जनरेट पर क्लिक करूँगा, तो भाई ये देखो यहाँ पर जो मुझे इमेज देना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर देखो थोड़ा सा वेट करना है आपको, और देखो 10% हो जा चुका, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो भाई मुझे इमेज सारी की सारी मिल जाएंगी। और उससे भाई जो फायरफ्लाई मैंने वेबसाइट बनाई बताई है उससे भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फ्री वेबसाइट हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा काम जस्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, 90% कंप्लीट हो जा चुका है, और यहाँ पर देखो भाई ये देखो अपनी जो है फोटोज़ हैं यहाँ पर भाई जनरेट हो जा चुकी हैं, ये देखो कुछ इस प्रकार से हमारी जो है फोटोज़ हमें चार चार फोटोज मिल गई हैं। तो इनको आपको सिंपल से क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड किस प्रकार से करना है, आपको जो है यहाँ पर देखो थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, आपको सिंपल से डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ पर देखो JPEG पर क्लिक करके और सिंपल इसको जो डाउनलोड कर लेना है, इसी प्रकार सारी की सारी फोटोज़ को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर जो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो इमेज है भाई पहले ही प्रॉम्प्ट की है, ठीक है। अब भाई जितने भी प्रॉम्प्ट आपको ChatGPT देगा, आपको सिंपल से क्या करना है, उन्हीं प्रॉम्प्ट को कॉपी कर करके और सिंपल से यहाँ पर जो है इसी प्रकार से ला करके प्लस पर क्लिक करके और इसी प्रकार से जो है डाल दीजिएगा, ठीक है। तो सारे के सारे प्रॉम्प्ट जैसे आप लोग डालोगे एक एक करके, तो भाई सभी आपको इमेज सारी की सारी मिल जाएगा। मतलब कि भाई मैं आपको समझाता हूँ, पहला प्रॉम्प्ट पहला इमेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रॉम्प्ट डालोगे तो भाई दूसरी इमेज मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रॉम्प्ट डालोगे तो भाई तीसरे टाइप की इमेज मिल जाएगी, क्योंकि भाई अलग अलग सीन तो होंगे ना उसमें, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रॉम्प्ट आपको दे तो सिंपल से आप लोग इसमें अलग अलग प्रॉम्प्ट डाल करके इमेज को जनरेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बारी आती है कि आप लोग इमेज को वीडियो में किस प्रकार से कन्वर्ट करोगे, मीन्स भाई उसको जो कैसे आप लोग एनिमेट करोगे। तो इसके लिए आपको यूज करना है, देखो वेबसाइट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन बेस्ट वेबसाइट जो मुझे लगती है भाई वो है runway.ai, जो कि भाई बेस्ट वेबसाइट है एंड फ्री वेबसाइट है, ठीक है। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग डायरेक्ट उसको जो है लॉग आउट करके दूसरा अकाउंट बनाइए, ठीक है, दूसरी ईमेल साइनअप करिए, फिर से उसी प्रकार से वर्क करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है भाई, वेबसाइट्स तो बहुत सारी हैं जिनका आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन भाई पर्सनली जो मुझे बेस्ट लगती है runway.ai लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सर्च करना है क्रोम पर ही runway.ai, ठीक है। जैसे आप लोग जो सर्च करोगे ना तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आप लोग देखते हैं मेरा यहाँ पर जो वेबसाइट ओपन हो जा चुकी है। इसको अगर आप लोग डेस्कटॉप साइड में करना चाहें तो आप लोग डेस्कटॉप साइड में भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है, runway, try runway, ठीक है। तो आपको सिंपल ट्राई runway कर देना है, अगर आपने जो साइनअप कर लिया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग साइनअप नहीं किए होंगे तो भाई पहले आपको जो साइनअप करने के लिए बोलेंगे, तो आप लोग साइनअप कर लीजिएगा। इसके बाद जो है कुछ इस प्रकार का जो है ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद आपको सिंपल सा गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इसको ट्राई इट लेटर पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो अपने इमेज को ऐड करना, तो यहाँ पर जो है टॉप टू अपलोड इमेज पर क्लिक करना, इस प्रकार से टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको सिंपल सा उन इमेज को एक एक इमेज को जो सिंपल सा ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इससे जो है उन इमेज की वीडियोज को बनवा लेना है। किस प्रकार से बनवाना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, मैंने कुछ भी रखा और यहां पर जो है सक्सेसफुल मुझे वीडियो बना करके दे देगी आपके सामने लाइव प्रूफ, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ सेटिंग भी करना है, मैं आपको बताऊंगा। यहां पर देखो सबसे पहली बात, यहां पर जो दो ऑप्शन है फर्स्ट लास्ट, ठीक है। तो आपको सिंपल सा फर्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां पर देखो अगर आप लोग जो है ये देखो जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आप लोग प्रॉम्प्ट भी डालना चाहें तो आप लोग प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हैं, अगर आप लोग नहीं डालना चाहें तो आप लोग नहीं भी डाल सकते। जैसे यहां पर मुझे डाल देना चाहिए तो यहां पर सिंपल सा मैं जाऊंगा जो मैंने नोटबुक में नोट कर रखा है, मैं उसी प्रॉम्प्ट को डाल देता हूं सिंपल सा, ये देखो। और यहाँ पर जो हमें प्रॉम्प्ट को डाल लेता हूँ सिंपल सा, ताकि भाई कोई भी दिक्कत ना हो और अच्छी मेरी वीडियो जनरेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं इस प्रॉम्प्ट को डाल दूँगा और यहाँ पर टाइम भी मैं सेट कर लूँगा, मुझे 5 सेकंड की वीडियो चाहिए है। तो यहाँ पर जो है मैं 5 सेकंड पर टाइप करके और मैं इसको जो है जनरेट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर जो जनरेट पर क्लिक करूँगा तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जा चुकी है। और ये देखो 20%, 30%, 40%, 50% इस प्रकार से यहाँ पर जो है कितनी तेज़ी से यहाँ पर जो है वीडियो जनरेट हो रहा है, और कुछ सेकंड्स के अंदर आपको जो वीडियो जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 97% मेरा वीडियो जनरेट हो जा चुका है, थोड़ा सा बस 1-2 सेकंड का टाइम लगेगा। ये देखो भाई वीडियो हमारा जनरेट हो जा चुका है, और ये देखो अब इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो मैं बताता हूँ किस प्रकार से जो है इसको एडिट करना है। तो यहाँ पर देखो डाउनलोड किस प्रकार से करना है, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पर जो है
इस प्रकार से डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो आपका वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो है वीडियो डाउनलोड हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो है जितनी भी इमेज आप लोग वहाँ से प्रॉम्प्ट से बनवाओ, ठीक है। इसके बाद सारी की सारी इमेज का आपको वीडियो बना लेना है, ठीक है। मतलब कि एक एक इमेज डाल डाल करके इसी प्रकार से आपको बना लेना है वीडियोज। अब वीडियोज को बना करके अब बारी आती है इन सभी चीज़ों को ऐड करने की, मतलब कि मर्ज करने की। लेकिन 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 एक चीज में भूल गया भाई, टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। ये किस प्रकार से करना है देखो, जिनको भाई वॉइस नहीं अपनी देनी तो आप लोग जो है टेक्स्ट को मतलब वॉइस बना सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको वॉइस देनी है, कुछ भी देनी है, टेक्स्ट टू स्पीच कर देना है, वो भी दोस्तों एआई की मदद से। तो देखो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पर जो है एक वेबसाइट है 11 लैब करके, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई वो तो पेड हो गई, ठीक है। तो पेड हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यूज भी नहीं उसको करने वाले। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा TTS फ्री, ठीक है। जैसे आप लोग सर्च करोगे सिंपल सा जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो सिंपल सा करना क्या है, तो जो भी अपनी स्टोरी चैट जीपीटी से लिखवाई है तो आपको सिंपल सा उसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है यहाँ पर कॉपी कर रखा था, तो इसको जो है मैं पूरा कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर कॉपी करने के बाद सिंपल सा मैं इसमें जो है पेस्ट कर दूँगा। जस्ट 1 सेकेंड गाइज, क्या हो गया ये ब्लर ब्लर क्यों आ रहा है भाई। हाँ, अब यहाँ पर मैं सिंपल से इसमें पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखो 500 करेक्टर तक आप लोग लिखा सकते हैं, 500 वर्ड तक आप लोग लिखा पाओगे और इसमें साइनअप कर लेना, नहीं आप लोग 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखा पाओगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो आपको जो सबसे पहले यहाँ पर हिंदी लिख देना है, ठीक है। हिंदी लिख करके यहाँ पर दो आपको वॉइस मिल जाएंगी, लड़की की लेना है या फिर आप लोग लड़का की लेना चाहें तो आप लोग लड़के की भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लड़की जैसे लेना है, ठीक है, लड़की का आप लोग लेना चाहें। यहाँ पर देखो दो वॉइस आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको ये देखो जी रहे हैं भी लाखों का, ठीक है। कुछ इस प्रकार जो भी आपको लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लड़का की वॉइस लेना है, तो यहाँ पर सिंपल से मैं क्लिक करके और यहाँ पर सॉरी ये कहाँ बग गया, ठीक है। और यहाँ पर जो कन्वर्ट नाउ पर क्लिक करके और यहाँ पर देखते हैं पर जो कन्वर्टिंग हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर जो है डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल से आपको जो डाउनलोड कर लेना है। तो जस्ट 1 सेकेंड, और भाई बहुत फास्ट काम हो रहा है और 1 रुपये नहीं लग रहे हैं भाई, बिल्कुल फ्री में हो रहा है वीडियो। अगर आप लोग प्रॉपर देख रहे होंगे ना तो भाई प्रॉपर सीख गए होंगे। आप देखो यहाँ पर इसको इसने हमें नीचे भेज दिया है, तो लेकिन हम लोग नीचे जाने वाले नहीं है, सिंपल इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड का ऑप्शन आ जा चुका और सिंपल इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ये देखो हमारा जो डाउनलोड हो जा चुका है और यहाँ पर देखो ये वॉइस, इसी गाँव में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी, ठीक है। अपनी ये वॉइस भी फ्री आ जा चुकी है। अब बारी है इन सभी चीजों को, भाई बंद हो जा। अब दोस्तों भारी है कि आप लोग किस प्रकार से इन सभी चीज़ों को मर्ज करोगे। उसके लिए जरूरत पड़ने वाली है एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन की। कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हैं, लाइक VN, CapCut या फिर InShot या फिर KineMaster या फिर PowerDirector, जो भी आपको यूज करना है तो आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन भाई मैं यूज करता हूँ KineMaster एप्लीकेशन, क्योंकि भाई मुझे उसमें अच्छा खासा मतलब एक्सपर्ट हूँ उसमें, ठीक है। तो मुझे ईजिली अच्छी तरीके से हो जाता सब कुछ। तो यहाँ पर देखो ये मैंने एडिट की हुई थी, तो मैं प्रॉपर तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसका सबसे पहले साइज सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो क्रिएट न्यू पर क्लिक करके और जो भी आपको साइज चाहिए, लाइक आपको रील्स के लिए बनाए तो आप लोग रील्स वाला साइज सिलेक्ट करो, या फिर आप लोग यूट्यूब के लिए बना रहे हो तो आपको यूट्यूब वाला साइज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मुझे यूट्यूब के लिए करना है, तो यहाँ पर 16:9 वाला रेशियो सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है उन वीडियोज को ऐड करना है, ठीक है। जो जो आपने वीडियोज बनाई है, फोटो से वीडियो को बनाए हुआ एनिमेट किया हुआ, तो उनको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है गाइज स्टार्टिंग से एक ऐड, ठीक है, ये अपना ऐड कर लिया। फिर दूसरा कहाँ गया, ये दूसरा, ठीक है, ये दूसरा। 3 यहाँ पर मैंने ऐड कर लिए हैं, ये देखो ये वीडियो कुछ प्रकार से हमारा जो है आ जा चुका है, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो है किस प्रकार से इसको एडिट करना है। सबसे पहली बात कि अगर आप लोग जो खुद की वॉइस देना चाहें तो आप लोग खुद की वॉइस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल सा रिकॉर्ड पर क्लिक करके अपनी वॉइस दे सकते हैं, ठीक है, जो भी स्टोरी हो, जैसे एक गांव था नीला नाम की लड़की रहती थी, और इस प्रकार से अपने जो वॉइस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग वॉइस नहीं देना चाहें तो आप लोग AI की देखो, अगर आप लोग AI दे वो सॉरी वॉइस दोगे तो भाई आपका जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगा मॉडरेशन वगैरह में। और अगर आप लोग AI वाली वॉइस यूज करोगे तो दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि भाई आपने काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्टिविटी कर रखी है, दिक्कत आने के बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों अपनी वॉइस अगर आप लोग देना चाहें तो आप लोग दे भी सकते हैं, ठीक है, आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने जो मैं दिखाने वाला हूँ वो दोस्तों मैं AI वाली यूज करूंगा वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा AI वाली वॉइस को यूज कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने वॉइस को ऐड कर लिया, सिंपल सा मैं आपको सुना भी देता हूँ।
एक छोटे से गांव में नीलम नाम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको सिंपल सा करना क्या है, ये देखो जो आपको वाटरमार्क दिख रहा है ना, इसको हाइड करना है। तो यहाँ पर जो इस पर टाइप करके, और देखो यहाँ पर जो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा पैन एंड जूम का, ठीक है। तो आपको सिंपल सा इसको जूम कर लेना है, ये देखो यहाँ पर जो मैं जूम कर लूँगा ताकि भाई ये जो वाटर मार्क है ये हट जाएगा, और यहाँ पर देखो ये इसको प्लस कर दूँगा, ये बराबर कर दूँगा, तो भाई ये देखो लास्ट तक ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से मैं इसमें भी वही सेम चीज़ अप्लाई कर दूंगा जिससे भाई वाटर मार्क ना दिखे, और ये देखो ठीक है सब में ऐसा ही सेम टू सेम मैं कर देता हूँ। तो ये देखो अपना जो हो जा चुका है, अब इसके बाद यहाँ पर जो है बारी है एक छोटे से गांव में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। नीलम का गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था और वहाँ की हवा में ताजगी थी। नीलम को पढ़ाई का बहुत शौक था लेकिन गाँव में स्कूल दूर था। अब यहाँ पर जो ये जो प्लस ये जो आइकन है ना, ठीक है, इसमें जो है आप लोग कुछ इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं। जैसे मैं एक इफेक्ट डालूंगा, ये वाला मैं इफेक्ट डालूंगा, देखना कैसा चलेगा। कि हवा में ताजगी थी, नीलम को पढ़ाई का, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको जो है इफेक्ट वगैरह भी डाल देना। तो यहाँ पर मैं इसमें भी वही सेम टू सेम इफेक्ट डाल दूंगा क्योंकि अच्छा लग रहा है। तो ये गया, और इसमें ये देखो चलकर स्कूल जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पर वॉइस के हिसाब से अपना वीडियो एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो मुझे यहाँ से इतनी दूर तक मुझे चाहिए, सुबह जल्दी उठकर कई किलोमीटर पैदल यहाँ से जो है मुझे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं यहाँ पर कट कर दूंगा, और इसके बाद जल्दी उठकर कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब देखो ये अपना वीडियो कुछ इस प्रकार से आप लोग एडिट कर सकते हो पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पर एक म्यूजिक भी डालना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक म्यूजिक यूज करने वाला हूँ जो कि भाई मेरा फेवरेट है, बहुत ही अच्छा है, और ये वाला ये देखो, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस म्यूजिक को भाई डालूंगा ना, तो भाई देखना वीडियो में क्या ही हो जाएगा, देखना। एक छोटे से गाँव में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। नीलम का गाँव पहाड़ों से घिरा हुआ था, ठीक है। कितना बढ़िया भाई, बेहतरीन स्टोरी बन रही है। अब यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स वगैरह भी डालना चाहें तो ऊपर डाल सकते हैं वीडियो के अंदर, और नहीं डालना तो नहीं डालो, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर वीडियो बन जा चुकी है। अगर आप लोग कुछ इफेक्ट वगैरह डालना चाहें तो अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कितना आसान है भाई ऐसी वीडियोज बनाना। बिल्कुल आप लोग बना सकते हो प्रॉपर तरीके से। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है ए टू जेड कि आपको किस प्रकार से स्टोरी लिखवानी है, इमेज कहाँ से लेनी है, इमेज को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके बाद टेक्स्ट को स्पीच मतलब कि उसको जो है कैसे वॉइस बनाना है टेक्स्ट को, मैंने सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है भाई। मैं बहुत कुछ सिखा दिया इस के अंदर, तो बस आप लोग मेरे लिए भी एक लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। तो फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।